बहुत समय पहले की बात है, माधोपुर नामक एक गांव था। उस गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था और पिताजी बीमार रहते थे। एक दिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दोनों की पत्नियों चंदा और चमेली की आपस में नहीं बनती थी। वह एक दूसरे को नहीं चाहती थी, जिससे घर में झगड़े होने लगे। उस परिवार में एक गाय भी रहा करती थी, जिसका नाम जमुना था। वह गाय काफी तंदुरुस्त थी और अच्छी दूध देने वाली थी। एक दिन चंदा अपने छोटे भाई चमेली से बोलती है कि तुमने जमुना का खाना नहीं खिलाया, इतने समय तक क्या कर रही थी? कुछ काम नहीं करती, काम न काज की, दुश्मन अनाज की। अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरे मन में होगा वही बोलूंगी। उसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी समय दोनों भाई खेत से वापस घर आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों औरतों में हाथापाई हो रही थी। इतने देखने पर राम और श्याम बाहर आकर एक विचार करते हैं। राम बोलता है, भाई हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा ना हो सके। भैया ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इन दोनों में झगड़ा ना हो सके? एक ही तरीका है, बंटवारा। राम गांव के एक सरपंच और गांव वालों को लेकर अपने घर आता है और राम और श्याम और उनकी पत्नियों के साथ उस घर का बंटवारा कर दिया जाता है। गाय एक थी और भाई दो। सरपंच गांव का बोलता है, इसका बंटवारा कैसे करेंगे? तब राम बोलता है कि एक महीने गाय मेरे भाई के पास रहेगी और एक महीने गाय मेरे पास रहेगी। और पहले किसके पास रहेगी? सरपंच कहता है कि ठीक है, तुम दोनों में से मेरी जो पहली का जवाब दे देगा, सबसे पहले गाय उसी के पास रहेगी। पहली है, कान मरोड़ो पानी दूंगा, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। एक बार फिर से सुन लो, कान मरोड़ो पानी दूंगा, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। बड़ा भाई इसका जवाब दे देता है और बोलता है, नल। इसलिए जमुना बड़े भाई के पास रहेगी। वह लोग गाय को रोज नहलाते, उसका अच्छे से ध्यान रखते, उसकी सफाई का। थोड़े ही दिन में जमुना बहुत ही तंदुरुस्त हो गई और बहुत दूध देने लगी। राम जमुना का दूध गांव में जाकर के बेच आता और काफी पैसे कमाने लगा। कुछ समय भी जाते हैं, दूसरी तरफ श्याम की पत्नी चमेली उसके बड़े भाई राम और चंदा से जलने लगती है और श्याम से बोलती है, देखा आपने वह दोनों कैसे पैसों में खेल रहे हैं, उस गाय जमुना की वजह से। तब श्याम बोलता है कि अगले महीने वह गाय हमारे पास होगी, हम भी उसी प्रकार पैसों में खेलने लगेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद राम का समय समाप्त हो जाता है और श्याम और उसकी पत्नी चंदा राम के घर जा करके जमुना को लेकर के आ जाते हैं और खूंटे में ले आके उसे बांध देते हैं। पर जमुना को वो लोग कोई खाना या चारा नहीं देते हैं। रात होती है, जमुना रंभाने लगती है तो श्याम उसको घास डालने आता है तो उसकी पत्नी उसे रोक देती है। श्याम बोलता है कि तुम मुझे घास डालने के लिए क्यों मना कर रही हो, ये तुम्हारी दुश्मन है क्या? चमेली बोलती है, मेरी दुश्मनी जमुना से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी से है। मैं इस गाय की हालत इतना बेकार कर दूंगी कि ये कभी दूध नहीं देगी, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारे भाई कैसे पैसे कमाएंगे। जमुना भूख प्यास से बीमार होने लगती है और उसके पास काफी गंदगी रहती है और वो बीमार हो जाती है। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है और जमुना राम के पास चली जाती है। जमुना की हालत देख करके राम बहुत दुखी हो जाता है। उसकी सेवा के बाद धीरे धीरे गाय थोड़ी स्वस्थ होने लगती है पर वह दूध देना बंद कर देती है। राम सोचता है कि थोड़े ही दिन बाद फिर से यह श्याम के पास चली जाएगी और इसकी हालत फिर से खराब हो जाएगी, इसलिए वह गाय को लेता है और रास्ते में लेके जाने लगता है। रास्ते में वह गाय को डंडे से पीटने लगता है, तभी गांव का सरपंच उसे देख लेता है और बोलता है, तो इस जमुना को क्यों मार रहा है, यह तो पहले से ही मरी हुई जैसी लग रही है। राम बोलता है, अभी यह कुछ काम की नहीं है, इसे मैं बेचने जा रहा हूँ। सरपंच बोलता है, इसको कौन खरीदेगा? राम बोलता है, कसाई। सरपंच चिल्लाने लगता है, बोलता है,
तुम अपने पिताजी की आखिरी निशानी कसाई को देने जा रहे हो? क्यों मार रहे हो? राम बोलता है, मैं नहीं भूला हूँ कि यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, लेकिन मेरा छोटा भाई यह सब भूल चुका है कि यह पिताजी की आखिरी निशानी है। सरपंच बोलता है कि इस गाय का बंटवारा मैंने किया है, इस समस्या का समाधान मैं ही करूँगा। सरपंच बोलता है, राम बताओ गाय को क्यों कसाई को देना चाहते हो? राम बोलता है, यह जमुना अगले महीने फिर मेरे छोटे भाई श्याम के पास चली जाएगी और उसकी दशा अभी जो है उससे भी बदतर हो जाएगी और वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। इससे तो अच्छा है कि यह कसाई के हाथों एक झटके में खत्म हो जाए। उसके बाद राम रोने लगता है। जैसे ही इस नजारे को देखता है उसका छोटा भाई, वह राम के पास आता है और बोलता है, भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पिताजी की आखिरी निशानी जमुना को काफी कष्ट दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज से इस गाय का कोई बंटवारा नहीं होगा, यह हम दोनों के पास रहेगी। गाय का ही क्यों, अब इस घर का भी बंटवारा नहीं होगा। और दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और उनकी पत्नियां भी विवश होकर के उनके साथ रहने लगती हैं।